राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही पार्टियों में टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। नेता टिकटों के लिए जयपुर से दिल्ली के बीच चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक नेता को कांग्रेस पार्टी टिकट भी दे रही है, लेकिन वो चुनाव नहीं लेना चाहता है। शांति से राजनीति करें। उनके समर्थक अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख रहे हैं कि वे राजनीति से संन्यास ना ले। पूरी खबर आपको बताते हैं, आप फैक्ट इंडिया देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ मनीष गौर। मारवाड़ के कद्दावर किसान नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। इसी बात से हेमाराम चौधरी के समर्थक बहुत निराश हैं। सोमवार को हेमाराम चौधरी के हजारों समर्थकों ने महाकुंभ का आयोजन कर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की है। रैली में लोग रो पड़े और अपनी पगड़ी तक हेमाराम चौधरी के पैरों में रख दी, लेकिन हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हुए। आप वो वीडियो देखिए जिसमें हेमाराम के समर्थक रोते भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। इच्छा जरूर रह रहा है, लेकिन ये बात आप अपनी शक्ति बात पड़ेगी। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शांति से राजने का कष्ट करें और कोई आदमी आज एक दिन के लिए इधर उधर ना करे। आज के लिए एक सबसे मान लो कि आज अपन ने नवरात्रा का व्रत 5 साल के लिए कर रहे हैं। आज का आप सबका व्रत और आप सबकी तपस्या हमें 5 साल के लिए सुख देगी। इसलिए सब अपने आराध्य देव को मन में धारण करके जब तक साफ यश नहीं करेंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने बात तय कर ली है तो हमने भी ये काम ली है कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो 40 साल तक आपने हमारी सेवा की है तो आपके बात चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी ने अब तक 8 विधानसभा चुनाव लड़े हैं और महज 2 बार चुनाव हारा है। बाकी 6 चुनाव बड़े अंतराल से जीते हैं। पहले गहलोत सरकार में राज्य मंत्री, वसुंधरा सरकार में प्रतिपक्ष के नेता और वर्तमान गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इस बार हेमाराम चौधरी का कहना है कि मैं जनता के पूरे कामकाज नहीं करवा पाया, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। समर्थकों का कहना है कि हेमाराम चौधरी जनता के लिए आधी रात को भी हाजिर हो जाते हैं। ऐसा नेता हमारी विधानसभा को फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी आखिरी चुनाव हमारे कहने पर लड़े। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी ने पहले भी कई बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर रखा था। 2013 में उन्हें राहुल गांधी ने मनाया था, हालांकि वे चुनाव हार गए थे। फिर 2018 में सचिन पायलट के कहने पर वे विधानसभा चुनाव लड़े और इस बार उनकी जीत हो गई थी। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार हेमाराम चौधरी को मनाने में जुटे हुए हैं और सचिन पायलट को हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है उन्हें मनाने की। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।